एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर जनपद के 6 थानों के अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए हिस्ट्री शीट खोली गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसको देखते हुए 6 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। उन्होंने बताया कि बांसगांव थाने के राजेश मौर्य पुत्र बिचयई मौर्य निवासी भ्योरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा सुरेंद्र मौर्य पुत्र हरिवंश मौर्य निवासी भ्योरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा सहजनवा थाने के शशि कपूर साहनी पुत्र स्वर्गीय रामकिशन साहनी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा रामगढ़ताल थाने के इरफान अली पुत्र इकबाल अली निवासी बड़गो थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, पांचवा सिकरीगंज थाने के जयकिशन हरिजन पुत्र राम फेरन हरिजन निवासी मलाओ थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, छठवा हरपुर बुधहट थाने के राजेश उर्फ पप्पू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ला निवासी रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिससे इन अपराधियों में कानून का भय बना रहे और यह अपराध करने से डरे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसके लिए अभियान चल रहा है। जो भी ऐसे अपराधी हैं जो सक्रिय हैं, पूर्व में जिनके द्वारा अपराध किए गए हैं और अभी भी उनकी गतिविधियां जो हैं वो संज्ञान में आ रही हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर हिस्ट्री शीट की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन जिन को कार्रवाई की जा सकती है उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। पिछले 15 साल में जो भी अपराधी प्रकाश में आए हैं जिन्होंने अपराध किया है उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जेल से छूटने वाले जो अपराधी हैं वो पुनः अपराध ना कर सकें और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शंस होने हैं या इस तरह की कार्रवाई गैंगस्टर गुंडा हिस्ट्री शीट जैसी कार्रवाइयाँ होनी है उसके लिए सभी थानों पर लिस्ट बनाई गई है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम जो है वो किया जा रहा है।